23 नंबर का काव्य प्रारंभ करते हैं। सभी लोग मेरे पीछे बोलेंगे, स्वामावनंती मुनय परमं पुमांस पुमांस प्लस आम
त्वाम आमलन्ति, त्वाम याने आपको, त्वाम याने आमलन्ति मानते हैं, आमलन्ति मानते हैं। मुनय ये मुनि का बहुवचन है और इसका अर्थ है मुनिगण, ज्ञानी लोग, अनेक वचन है मुनिगण या ज्ञानी लोग। परमम यानी श्रेष्ठ, पुरुष पुमांस यानी पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष परमम पुमांस, परमम पुमांस श्रेष्ठ पुरुष, परम पुरुष क्या मानते हैं, परम पुरुष। परम पुरुष के दो अर्थ हैं, एक बाहर से परम पुरुष और एक अंदर से परम पुरुष। तो बाहर से परम पुरुष उसे कहते हैं जो शरीर से मुक्त है, और अंतरंग में जो परम पुरुष है उसका अर्थ है जो कर्मों से मुक्त है। तो जो शरीर और कर्म इन दोनों से मुक्त हो उसे क्या कहते हैं, परम पुरुष। क्या कहेंगे, हाँ। अब यहां पुमांस के आगे डैश है बराबर, तो इसका मतलब क्या होगा, आधा शब्द आगे की पंक्ति में चला गया, वो कौन सा है, मादित्य वर्ण ममलम, पूरा शब्द ये है, क्या है, तो वो पुमांस के साथ जुड़ जाएगा। पुमांस मादित्य वर्ण ममलम, पूरा शब्द क्या है, पुमांस मादित्य वर्ण, संधि विच्छेद करेंगे, पुमांसम, पुमांसम मादा प्लस आदित्य वर्णम, आदित्य वर्णम मादा प्लस अमलम, पुमांसम आदित्य वर्णम अमलम, बराबर समझ में आयो, हाँ। परमम याने श्रेष्ठ, पुमांसम याने पुरुष, आदित्य वर्णम, आदित्य वर्णम याने सूर्य के समान रंग वाले। आदिनाथ भगवान का रंग कैसा था, सूर्य के समान दमकने वाले, आदित्य वर्णम। अमलम, अमल याने मल रहित, भगवान की एक एक नाम से स्तुति की जा रही है, और अमल शब्द का अर्थ क्या है, मल रहित, क्या अर्थ है, तमस अंधकार से, तम याने अंधकार, तमस याने अंधकार से, पर पर याने परे, कैसे है भगवान, अंधकार से परे, पूरब नहीं है, पुरस्ताप नहीं, परस्ता, पर याने परे, अंधकार से बाहर, अंधकार से परे। परस्ताप शब्द का ही अर्थ ऐसा है, परस्ताप से परे, अंधकार से परे, किंतु कैसे, तमसः परस्ताप का अर्थ है अंधकार से परे, सिर्फ परस्ताप का अर्थ है परे, और तमसः का अर्थ है अंधकार से। आगे देखिए, स्वामैव, यहां पुनः संधि हुई है, दो शब्द एक हुए हैं, त्वाम प्लस एव, त्वाम प्लस एव, आपको ही, त्वाम याने आपको, एव याने ही। काव्य याद हो रहे कि नहीं, पिछले सब सबके याद है, काव्य काव्य याद कर रहे कि नहीं कर रहे, स्पेशल गिफ्ट दी जाएगी, जो पूरे के पूरे 48 काव्य बिना रुके बिना पुस्तक में देखे शुद्ध उच्चारण के साथ धड़ाधड़ बोल देगा, एक के पीछे सारे काव्य बिना रुके बोलेगा, उसके लिए स्पेशल गिफ्ट दी जाएगी, वो स्पेशल स्पेशल ही होगी, बोल दिया तो स्पेशल काहे की, वो गिफ्ट कौन सी है ये बोल दिया तो फिर स्पेशलिटी क्या रहेगी, इसलिए उसको नहीं बताना ही स्पेशलिटी है, ठीक है। तो जो
भक्तावल्य कैसे बोल के लिखाएगा? बिना रुके, बिना देखे, बिना अटके, बिना तुतलाए। क्योंकि संस्कृत जब आप बोलते हो तो तुतलाने लग जाते हैं, तो बिना तुतलाए, बिना अटके, बिना रुके और बिना देखे, ऐसे जो भक्तावर कह के लिखाएगा यहाँ, उसके लिए स्पेशल गिफ्ट दी जाएगी। ठीक है, मान्य है आपको? ठीक है, किंतु पूरे 48। हाँ, पूरे 48। त्वामेव, त्वामेव का अर्थ क्या लिखा? आपको ही, त्वाम एव, सम्यक उपलब्ध, यहां भी संधि नहीं है, सम्यक क आधा क बन जाएगा, ग क्या बन जाएगा? ग क बन जाएगा। जब भी आगे स्वर आता है तो व्याकरण के नियमानुसार वर्ग का पहला अक्षर वर्ग का तीसरा अक्षर बन जाता है। बस इतना ही सुन लो, क्योंकि बात ऊपर से ही जाने वाली है ना? क ख ग है ना, सामने स्वर आ गया तो सम्यक क था, वो क का क्या बन गया? पहला अक्षर तीसरा अक्षर बन गया, क ख ग, ऐसा हो जाता है। और फिर वो आगे इसमें जुड़ गया तो क का ग और द में वो मिल गया, तो सम्यक उपलब्ध्य क्या बन गया? अब इसको संधि विच्छेद किया तो सम्यक प्लस उपलब्ध्य, तो कहते हैं सम्यक यानी भली प्रकार से, अच्छी तरह से। सम्यक यानी भली प्रकार से, अच्छी तरह से, उपलब्ध्य प्राप्त करके। उपलब्ध्य यानी अर्ध क्रिया है, जैसे प्रणम्य आया था ना, प्रणम्य दृष्ट्वा, ये अर्ध क्रिया वाले शब्द थे, ऐसे ही उपलब्ध्य प्राप्त करके। आगे क्या? जयंती जीत लेते हैं, किसको? मृत्युम, मृत्यु को, मृत्यु को। शब्दार्थ समझ में आ रहे? जयंती यानी जीत लेते हैं और मृत्युम यानी मृत्यु को। अगली पंक्ति देखेंगे, नान्य संधि हुई है, न प्लस अन्य, न अन्य, न याने नहीं, अन्य याने दूसरा। पिछले काव्य में अन्य आया था, अन्य, अन्य क्यों आया था? क्योंकि वहां माता की बात थी, इसलिए स्त्रीलिंग शब्द का उपयोग किया था, सर्वनाम है। अन्य क्या है? सर्वनाम। आपको पता है सर्वनाम का प्रयोग कब होता है? है नाम की जगह किसका प्रयोग किया जाता है? बार बार नाम नहीं लिया जाता है, बार बार नाम लेते हैं? एक बार नाम लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? क्या लेते हैं? सर्वनाम लेते हैं, है ना, उस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे जितेंद्र भाई आए हैं, वे आज क्लास में बैठे हैं, बार बार ये कहेंगे जितेंद्र भाई आए हैं, जितेंद्र भाई क्लास में बैठे हैं, जितेंद्र भाई मुझे देख रहे हैं, जितेंद्र भाई हंस रहे हैं, ऐसा कहेंगे क्या? तो क्या कहेंगे? उनकी जगह सर्वनाम का प्रयोग, नाम की जगह किसका प्रयोग? सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, बार बार नाम। वैसे भी बड़ों का बार बार नाम नहीं लिया जाता है, बड़ों का नाम लेते हैं क्या घर में, है ना, उनके पद को, पद का नाम लेते, दादाजी, पापाजी, है ना, नाम नहीं लेते। पिताजी का कोई नाम लेता है? पापा का, आज तक लिया है किसी? पापा का कभी नाम नहीं लेते। तो नाम की जगह सर्वनाम का प्रयोग है ना। न अन्य, दूसरा कोई नहीं है, शिव, शिव यानी कल्याण करने वाला, प्रशस्त, मंगल। शिव शब्द के अनंत अर्थ हैं, शिवं करोति कल्याणम्, शिव यानी कल्याण करने वाला, प्रशस्त, मंगल, पवित्र, भूत,
ये सब जो हैं शिव के अनेक अर्थ है। तो कुल मिलाकर शिव का अर्थ क्या लोगे आप? मंगल। क्या ले लो? मंगल। शिव का एक अर्थ मोक्ष भी होता है, किंतु यहां नहीं लेना है। आगे जो शिव आ रहा है उसका अर्थ लेना मोक्ष। शिव पदस्य क्या है? शिव पदस्य मोक्ष पद का, मोक्ष पद का मुनीन्द्र ये संबोधन है। संबोधन कैसे समझ में आता है बताया था? उद्गारवाचक चिन्ह होता है एक्सलामेटरी, उसका अर्थ है कि ये क्या है? संबोधन। हे मुनीन्द्र, संबोधन में क्या लगाते हैं? हे। क्या लगाते हैं? हे। सबको हे लगाते हैं क्या? बड़ों को। और छोटों को क्या लगाते हैं? ओ, अरे, अठियाओ, ऐसे बुलाते ना। किंतु बड़ों को अजी, क्या बोलते हैं? अजी। छोटों को अरे, तुरे, ऐसा करते हैं। किंतु भगवान है तो भगवान को क्या लगाएंगे? हे मुनीन्द्र, हे मुनियों के इंद्र, हे तीर्थंकर। पंथा रास्ता मार्ग, पंथ यानी रास्ता मार्ग। लीजिए अभी हम इन चारों पंक्तियों के अर्थ का मिलान करते हैं। त्वामा वनंती, पहले तो संबोधन लो, हे मुनीन्द्र। क्या कैसे स्टार्ट करेंगे? जब भी पंक्तियों का अर्थ बनाया जाएगा संस्कृत में तो सबसे पहले किसको लेते हैं? संबोधन को। किसको लेते हैं? हे मुनीन्द्र, मुनय, मुनिगण, त्वाम, आपको, मुनय मुनिगण या ज्ञानी लोग, त्वाम, आपको, परमं पुमांसं आमनन्ति, परम पुरुष मानते हैं। क्या मानते हैं? मुनिगण आपको परम पुरुष मानते हैं। और क्या मानते हैं? आदित्य वर्णम। क्या मानते हैं? सूर्य के समान वर्ण वाले, या फिर ये कहिए कि सूर्य के समान तेजस्वी। ममलम, अमलम यानि निर्मल, मल यानि मेल। कौन सा मेल है? आपकी आत्मा पर तीन प्रकार के मल होते हैं, द्रव्यमल, भावमल और नोकर्ममल। कितने मल होते हैं? तीन प्रकार के मल होते हैं। द्रव्यमल यानी ज्ञानावरणादि आठ कर्म, नोकर्ममल यानी औदारिक वैक्रियक और आहारक शरीर, ये नोकर्ममल है। हमारा शरीर ये भी एक मैल है, शरीर भी एक गंदगी है, कर्म भी गंदे हैं, शरीर भी गंदा है। और तीसरा मल है भावमल, हमारे मन में उठने वाले विकार, राग, द्वेष, मोह, मिथ्यात्व, ईर्ष्या, वासना, ये सब अहंकार हमारे मन का मैल है। एक तन का मैल, एक मन का मैल और एक कर्म रूपी मैल। कितने मल हो गए? तीनों मलों से रहित कौन है? भगवान। कौन है? शुद्ध आत्मा, परमात्मा, अरिहंत और सिद्ध प्रभु, इन तीनों प्रकार के मलों से रहित है कि नहीं है? अरिहंतों को शरीर है क्या? फिर कैसे कहा तीनों मलों से रहित है? हैं? किंतु शरीर होते हुए भी वो शरीर मैल नहीं है, स्वच्छ सुंदर शरीर है। कैसा शरीर है? परम अवदारिक शरीर है, मलों से रहित है, धातु उपधातुओं से रहित है, इसलिए अनिहंत भगवान का शरीर मैल नहीं है। और द्रव्य मैल यानी आठ कर्म, उसमें से कितने कर्म नाश कर दिए भगवान ने? क्या चार ही कर्म नष्ट किए कि और भी कर्म नष्ट किए? कुल कितने कर्म नाश किए भगवान ने, कौन बताएगा? आठ कर्म। अरिहंत भगवान ने आठ कर्मों के 148 भेद है, उसमें से कितने कर्मों का नाश किया है? कर्म की त्रेसठ, बोलो, कर्म
भक्ति ना होती तो मैं आपको पूछता भी नहीं गलती से, गलती से भी नहीं पूछता, क्योंकि मुझे पता है कि आप कर्म सिद्धांत को छूने वालों में से नहीं है। आप कर्मानुयोग का स्वाध्याय नहीं करते हो। वो तो पूजा में आया है तो मुझे लगा किसी न किसी की बुद्धि तो दौड़ेगी। कितने कर्म नाश किए अरिहंत भगवान ने? 8 में से सोचो तो 4 कर्म नाश किए, किंतु 8 के 148 भेद करो तो कितने नाश किए? 63। कितने कर्म नाश किए? उसमें 47 कर्म तो घातिया कर्मों के भेद है और बाकी जो कर्म है कितने? 16। कितने? वो 16 अघातिया कर्मों में से कुछ है। नाम कर्म की 13 और आयु कर्म की 3। ऐसे 16 कर्म भी भगवान ने नष्ट किए हैं। ऐसे कुल कितने कर्म नष्ट किए? और ये सभी पाप कर्म हैं। ये 63 के 63 कर्म कौन से जात के हैं? पाप कर्म है, पाप से संबंधित कर्म है। तो पापों का नाश कर दिया, इसलिए द्रव्य मैल भी नहीं है और भाव मैल भी भगवान में कौन सा है? भाव में राग द्वेष और मोह। इसलिए भगवान कैसे हैं? अमलम। मानपुंगाचार्य जी ने सिर्फ काव्य रचना था इसलिए कोई ना कोई शब्द डाल दिए हो, ऐसा नहीं है। हर शब्द का गूढ़ अर्थ है। अमलम कह रहे हैं भगवान को कि आप मल से रहित हो, तमसा परस्ता और अंधकार से परे हो। कौन से अंधकार से? 2 प्रकार का अंधकार, एक बाहर का अंधकार और एक अंदर का अंधकार। तो भगवान ने कौन सा अंधेरा दूर किया? मूल में अंदर का अंधकार दूर किया। और अंदर का अंधकार कौन सा था? अज्ञान का अंधेरा। कौन सा अंधेरा था? अज्ञान रूपी अंधकार से हे भगवान आप परे हो, आप तो केवल ज्ञान के धनी हो। आई बात समझ में? तो ये एक भगवान का नाम हुआ। ऐसे परम पुरुष आप हो। कितने विशेषण बताए, कितने नाम दिए? भगवान कैसे हैं? या मुनिगण भगवान को क्या क्या मानते हैं? परम पुरुष, आदित्य वर्णम, ममलम और तमसा परस्ता। 4 एडजेक्टिव्स है। क्या ही है? किसके? हे मुनीन्द्र। मुनीन्द्र के लिए ये 4 विशेषण दिए कि आप ऐसे हो, ऐसा सभी मानते हैं, है ना? और कैसे हैं भगवान? त्वामेव सम्यक उपलब्ध। हे भगवान, जो भली प्रकार से आपको प्राप्त कर लेते हैं कौन? भक्तगण। जो भक्त अच्छी तरह से भली प्रकार से आपको प्राप्त कर लेते हैं, वे जयंती मृत्युम, वे मृत्यु को जीत लेते हैं। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं बताओ? क्या बताया? जो आपको भली प्रकार से प्राप्त कर लेते हैं, इसका क्या अर्थ हुआ है? ना, वो तो अगली बात हो, जयंती मृत्यु बताओ। जो आपको भली प्रकार से प्राप्त कर लेते हैं, यानी भगवान को अच्छी तरह से प्राप्त कर लेना, यानी मंदिर में जाके चिपक जाना है, भगवान को चिपक के रहना, यानी मैंने भगवान को अच्छी, अरे इसने बंदे, इस बंदे ने भगवान को अच्छे से प्राप्त किया, इस बंदे ने, क्योंकि ये भगवान से चिपक जाता है, क्योंकि ये भगवान का रोज अंगुचना करता है, क्योंकि ये भगवान को 2-2, 3-3 घंटा देता है, इसलिए इसने भगवान को प्राप्त कर लिया है। क्या ये अर्थ है? तो आप बताइए फिर क्या अर्थ है? जो भगवान के पास जाते ही नहीं, उन्होंने प्राप्त कर लिया है। जो भगवान का चेहरा भी नहीं देखते हैं, मंदिर भी नहीं जाते हैं, समय भी नहीं देते हैं, क्या वो भगवान को प्राप्त करेंगे? या जो भगवान को समय देंगे वो भगवान को प्राप्त करेंगे? कौन करेंगे बताओ जरा? कंफ्यूज मत हो। कौन भगवान को प्राप्त करेगा बताओ? और जो भगवान को अच्छी तरह से प्राप्त करेगा वो जयंती मृत्यु, वो मृत्यु को जीत लेते हैं। तो किसने भगवान को अच्छी तरह से प्राप्त किया भाई बताओ? हैं? वे लोग जो भगवान को समय दे रहे हैं उन्होंने प्राप्त किया, या वे लोग जो भगवान से दूर बैठे हैं उन्होंने प्राप्त किया? किसने प्राप्त किया भगवान को?
निश्चित ही मुनियों ने, क्यों? क्योंकि भगवान को वो प्राप्त करते हैं जो भगवान के दिखाए हुए मार्ग पर चलते हैं। कौन प्राप्त करते हैं? जो भगवान के दिखाए हुए मार्ग का शतशः पालन करते हैं, शब्दशः पालन करते हैं, भगवान की वाणी को स्वीकार करते हैं कि भगवान ने जो कहा है शत प्रतिशत सत्य है। ऐसी जिनकी श्रद्धा है, श्रद्धा के साथ जिन्होंने कदम आगे बढ़ाए हैं, चारित्र को अंगीकार किया है। तुम दो घंटा देते हो, मुनियों ने अपना जीवन भगवान के चरणों में समर्पित किया है, संपूर्ण जीवन भगवान के साथ है। किसका है? त्वामेव सम्यक उपलभ्य। जिसने भली प्रकार से भगवान को प्राप्त किया वो तो मुनि ही है ना। इसलिए जयंती मृत्युम, मृत्यु को वो ही जीतते हैं। कौन, किसने जीता है मृत्यु को आज तक? मुनियों ने ही तो मृत्यु को जीता, और मुनि ही आगे जाकर के अरिहंत बने। जो अरिहंत के प्रति पूर्ण समर्पित हैं, वे ही अरिहंत बनते हैं, अर्थात मृत्यु को जीत लेते हैं। क्यों? क्योंकि न अन्य शिव पदस्य मुनीन्द्र पंता। हे भगवान, जो आपने रास्ता दिखाया है वैसा मोक्ष मार्ग का, मोक्ष पद का, मंगलमय रास्ता कोई भी दिखाने वाला इस संसार में नहीं है। यही बताया ना, न अन्य शिव शिव पदस्य पंथा। हे मुनिंद्र, मोक्ष पद का रास्ता दिखाने वाला आपके जैसा और कोई है ही नहीं। इसलिए आपको प्राप्त करने वाला ही मृत्यु को जीत सकता है, मृत्यु का वरण कर सकता है। बात समझ में आ गई? अब क्या करोगे? मंदिर में जाओगे या नहीं जाओगे? क्योंकि जाने वाले को भी भगवान नहीं मिले, नहीं जाने वाले को भी नहीं मिले, तो अब क्या करोगे? प्रश्न तो ये है, महाराज के पास रहोगे कि भगवान के पास रहोगे? हैं? अरे भाई, जो रोज भगवान के पास जाएगा वही एक दिन मुनि बनेगा। जो भगवान के पास नहीं वो कभी मुनि बन ही नहीं सकता है, क्योंकि मार्ग तो भगवान ने ही दिया है, मुनियों ने थोड़ी मार्ग बनाया है। मुनियों ने अपना रास्ता बनाया नहीं है, ऑलरेडी जो रास्ता आया है उस रास्ते पर वो चल रहे हैं। भगवान ने दिखा दिया है उस रास्ते पर वो चल रहे हैं, तो हम भी भगवान के नजदीक जाएंगे और जाते जाते भगवान के दिखाए हुए रास्ते पर भी चलने लग जाएंगे। है कि नहीं बात सही? लिखेंगे इस काव्य का पूर्ण भावार्थ। हे मुनीन्द्र, मुनिगण अथवा ज्ञानी लोग, मुनिगण अथवा ज्ञानी लोग आपको परम पुरुष, परम पुरुष कौमा सूर्य के समान तेजस्वी कौमा अमल और अंधकार से परे मानते हैं, और अंधकार से परे ऐसा मानते हैं। संसार में केवल आप ही हो, संसार में केवल आप ही हो जिन्हें अच्छी तरह से प्राप्त करने वाले, जिन्हें अच्छी तरह से प्राप्त करने वाले मृत्यु को जीत लेते हैं। संसार में आप ही हो जिन्हें अच्छी तरह से प्राप्त करने वाले मृत्यु को जीत लेते हैं, क्योंकि मोक्ष की ओर जाने वाले, क्योंकि ऐसा
ऐसा लिखो, क्योंकि आपके अलावा, आपके अलावा मोक्ष की ओर जाने वाला दूसरा कोई, आपके अलावा मोक्ष की ओर जाने वाला दूसरा कोई कल्याणकारी रास्ता नहीं है, कल्याणकारी रास्ता नहीं है। इसका अर्थ क्या, मोक्ष की ओर जाने वाला रास्ता आपको होकर के ही जाना है। क्या अर्थ निकला, मोक्ष की ओर जाने वाला रास्ता कहां से जाता है, मंदिर से ही जाता है। यहां किसे रास्ता कहा है, भगवान ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। मोक्ष की ओर जाने वाला रास्ता आप ही हो, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसका भावार्थ ये निकलता है कि मोक्ष की ओर जाने वाला रास्ता आपने ही दिखाया है और किसी ने नहीं। इस काव्य की रिद्धि है, बोले कि सभी ओम ह्रीम अरहम नमो आसी निशाणम झ्रौं झ्रौं नमः। इस काव्य का भी यही प्रभाव बताया गया है कि इस काव्य और इस मंत्र का आधार लेने वाले आराधक भूत प्रेत की बाधा से दूर हो जाते हैं। कौन सी बाधा दूर हो जाती है, भूत प्रेत की बाधा इस काव्य और मंत्र का आधार लेने वाले मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं भूत प्रेत की बाधा से। आज इतना ही रखते हैं, बोलिए आदिनाथ भगवान की जय।